हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे। तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की बड़ी खबर, बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा आज से शुरू। 17 फरवरी से 24 फरवरी तक ली जाएगी परीक्षा। बिहार में आज यानी बुधवार से बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा शुरू हो रही है, जिसे लेकर बीएसईबी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 24 फरवरी तक चलेगी। मैट्रिक परीक्षा को लेकर पहले ही एडमिट कार्ड जारी किया जा चुका है। बिहार के 38 जिलों में कुल 1525 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 16,84,466 परीक्षार्थियों ने परीक्षा का फॉर्म भरा था, जिसमें 8,46,663 छात्र और 8,37,803 छात्राएं शामिल होंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से हर जिले में 4 मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां सभी परीक्षार्थी छात्राएं होंगे। मॉडल परीक्षा केंद्रों पर वीक्षक और दंडाधिकारी भी महिलाएं होगी। परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले परीक्षा भवन में प्रवेश करना अनिवार्य होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ठंड के मद्देनजर परीक्षार्थियों को जूते मोजे पहनकर आने की अनुमति दे दी है। यदि किसी परीक्षार्थी का एडमिट कार्ड खो जाता है तो ऐसी स्थिति में बिहार बोर्ड उसे परीक्षा में शामिल होने की व्यवस्था करेगा। मैट्रिक परीक्षा के सफल संचालन को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कंट्रोल रूम बनाया है। इसे लेकर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, 0612223009। इस पर कॉल करके आप कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी खबर, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी मैट्रिक की परीक्षा। 500 परीक्षार्थी पर एक वीडियोग्राफर होंगे तैनात। जी हां, बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। परीक्षा शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त माहौल में हो, इसके लिए सीसीटीवी कैमरा सभी परीक्षा केंद्रों पर लगाया गया है। परीक्षार्थियों को भी सीसीटीवी कैमरा की जानकारी हो, इसके लिए फ्लैक्स बोर्ड या पोस्टर के माध्यम से आप सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है का संदेश लिए एक पोस्टर भी चिपका दिया गया। वहीं परीक्षा के दौरान 500 परीक्षार्थी पर एक वीडियोग्राफर की तैनाती की गई है। इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में 71,280 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा की प्रथम पाली में 35,798 परीक्षार्थी शामिल होंगे। 17 से यूनिवर्सिटी और कॉलेज में शुरू होगी पढ़ाई। 50% अटेंडेंस और कोरोना गाइडलाइन फॉलो करना जरूरी। जी हां, राज्य के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज में 17 फरवरी से सभी कक्षाएं शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए सशर्त अनुमति देने वाला आदेश सोमवार को जारी कर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक रेखा कुमारी ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय के कुल सचिवों को इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी की तरफ से कुल सचिवों के लिए जारी पत्र में कहा गया है कि सभी कक्षाएं की पढ़ाई शुरू की जानी है। कक्षाओं के संचालन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यार्थी की उपस्थिति 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस तरह प्रत्येक कार्य दिवस में केवल 50% विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित रहेंगे। बिहार के पूर्व राज्यपाल एम रामा जोइस का निधन, पीएम मोदी सीएम नीतीश ने जताया शोक। जी हां, बिहार के पूर्व राज्यपाल एम रामा जोइस का कल निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर शोक जताया है। जोइस के सम्मान में बिहार सरकार ने मंगलवार को एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और दुख की इस घड़ी में परिजनों को धैर्य रखने की बात कही। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा कि एम रामा जोइस बिहार के साथ साथ झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके थे। वे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश भी थे। जोइस ने कई किताबें लिखी थी। बिहार विधानसभा में पहली बार सरस्वती पूजा, विजय सिन्हा ने की नई परंपरा की शुरुआत। जी हां, कल बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने बिहार विधानसभा में सरस्वती पूजा का आयोजन करके एक नई परंपरा की शुरुआत की है। कल बिहार विधानसभा के पुस्तकालय में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। इस मौके पर विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार विधानसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और माँ सरस्वती सबके लिए विद्या और बुद्धि का संचार करे, इसी के लिए हम लोगों ने पूजा का आयोजन
समर्थन किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग भूल गए थे, भटक गए थे, लेकिन अब फिर से लोकतंत्र के इस बड़े मंदिर में सबके लिए बुद्धि और विधा के उद्देश्य से इस पूजा का आयोजन किया गया है। बड़ी खबर, बागी नेता का दावा, 18 फरवरी को एलजेपी के 60 नेता जेडीयू में होंगे शामिल, इसके बाद एमपी एमएलए भी छोड़ेंगे पार्टी। जी हां, 18 फरवरी को एलजेपी का एक बड़ा घड़ा टूटकर जेडीयू में मिल जाएगा। इस बात की पुष्टि एलजेपी के बागी नेता केशव सिंह ने की है। केशव सिंह के मुताबिक एलजेपी के 60 प्रमुख नेता 18 तारीख को जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे, जिसमें 10 नेता पार्टी के पदाधिकारी होंगे। केशव सिंह ने कहा कि जब तक एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान थे, तब तक पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते थे, सबको मिलाकर चलते थे, लेकिन चिराग पासवान में ऐसी बात नहीं है। वे जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने नारा दिया था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन अब वो पैसा फर्स्ट, पंजाबी फर्स्ट को ज्यादा तरजो दे रहे हैं। इसके साथ ही चिराग पासवान पर आरोप लगाते हुए केशव सिंह ने कहा कि एलजेपी के फंड में भी चिराग पासवान घोटाला कर रहे हैं। जिन नेताओं ने सदस्यता अभियान चलाकर पार्टी फंड में पैसा जमा किया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। 18 फरवरी को एलजेपी के केशव सिंह, दीनानाथ क्रांति, रामनाथ रमन, पारसलाल गुप्ता, कौशल किशोर सिंह, सुभाष पासवान जैसे नेता जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर नीतीश का बड़ा बयान, बोले ईंधन नहीं बैटरी वाली गाड़ी चलाइए। जी हां, देश में बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिंता जताई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से बैटरी से चलने वाले वाहनों का उपयोग करने की बात कही। सीएम नीतीश ने कहा कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर ईंधन से चलने वाले वाहन की जगह लोग बैटरी वाली गाड़ी का उपयोग करें। बिहार के पूर्व चीफ सेक्रेटरी के आवास पर आयोजित सरस्वती पूजा समारोह में शामिल होने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बातें कही। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश वासियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। तो दूसरी ओर रसोई गैस और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी से बिहार में उबला विपक्ष, का एनडीए सरकार की गलत नीतियों का परिणाम। जी हां, बिहार में शतक की ओर बढ़ रहे पेट्रोल की कीमत और रसोई गैस की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी करने से पूरा विपक्ष उबल पड़ा है। बिहार में विपक्षी दलों के नेताओं ने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों को लेकर केंद्र की मोदी और बिहार की नीतीश सरकार को घेरा है। नेताओं ने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को जन विरोधी बताते हुए इसे एनडीए सरकार की गलत नीतियों का परिणाम बताया है। कांग्रेस विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम है, इसके बावजूद पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। बड़ी खबर, बिहार में 25 फरवरी से 6 दिनों तक रद्द रहेगी 2 दर्जन से अधिक ट्रेनें, कई ट्रेनों के रूट बदले। बचवारा स्टेशन पर एनआई कार्य को लेकर 25 फरवरी से 2 मार्च तक 2 दर्जन से अधिक ट्रेन रद्द रहेगी। इनमें 23 फरवरी से 2 मार्च तक सहरसा नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी। दूसरी ओर 26 व 28 फरवरी को सहरसा नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 27 फरवरी व 1 मार्च को नई दिल्ली सहरसा वैशाली एक्सप्रेस, 26 फरवरी को गांधीधाम भागलपुर स्पेशल, 28 फरवरी से 2 मार्च तक भागलपुर मुजफ्फरपुर जनसेवा एक्सप्रेस, 28 फरवरी से 2 मार्च तक मुजफ्फरपुर भागलपुर जनसेवा एक्सप्रेस, 28 फरवरी को गोरखपुर हटिया मोर एक्सप्रेस, इसके अलावा 28 फरवरी को गोरखपुर हटिया मोर एक्सप्रेस, 28 फरवरी को गोरखपुर कोलकाता पूर्वांचल एक्सप्रेस रद्द रहेगी। ममता बनर्जी से लालू यादव की पार्टी का मोह भंग, बंगाल में आरजेडी और वाम साथ लड़ सकते हैं चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर है। बंगाल के रण से पहले लालू यादव की पार्टी राजद का ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से मोहभंग हो गया है। कारण यह है कि बंगाल चुनाव में सीटों के बंटवारे का पेच शायद नहीं सुलझा है। बिहार चुनाव में जिस तरह से महागठबंधन एक साथ चुनाव मैदान में उतरा था, उसी तरह बंगाल चुनाव में उतरने की तैयारी शुरू हो गई है। भाकपा के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने कहा कि बिहार में महागठबंधन ने एक साथ चुनाव लड़ा है, जिसके बाद यहाँ हमारी स्थिति काफी मजबूत रही है। इस तरह भाकपा माकपा और राजद वहाँ कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरे, इसको लेकर काफी देर तक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बंगाल में भाकपा व माकपा का गठबंधन काफी पुराना है। बिहार में फिर टला 90,000 से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन,
शिक्षा विभाग ने बताया ये कारण। जी हाँ, बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में नियुक्ति के आस को लेकर बैठे हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर है। शिक्षा विभाग ने 90,000 से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया को फिर से स्थगित कर दिया है। बीते कई दिनों से शिक्षक अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग की तिथि से लेकर ज्वाइनिंग तक का इंतजार था। ऐसे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। एक विशेष मामले में पटना हाईकोर्ट का फैसला आने तक 90,000 से ज्यादा प्राथमिक मध्य शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया अगले आदेश तक रोक दी गई है। आईपीएल की तर्ज पर अब बिहार में बीसीएल वेंकटेश प्रसाद, जयसूर्या, दिलशान, मॉरिसन और आरपी सिंह जैसे क्रिकेटर आएंगे नजर। जी हां, बिहार में अब तक का सबसे बड़ा क्रिकेट का आयोजन होने जा रहा है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की संबंध इकाई बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित होने वाली बिहार क्रिकेट लीग की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। इस क्रिकेट लीग में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी शिरकत करेंगे। हालांकि वो खिलाड़ी टीम के मेंटर की भूमिका रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीसीए के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी ने बताया कि बिहार क्रिकेट लीग में 21 मार्च से 27 मार्च तक बिहार की 5 फ्रेंचाइजी टीम भिड़ेंगी। इस लीग की फ्रेंचाइजी पार्टनर एलिट स्पोर्ट्स बेंगलोर है, जिसके प्रबंधक बिहार निवासी निशांत दयाल है। ये 5 टीमें पटना पायलट्स, आरा एवेंजर्स, भागलपुर बुल, दरभंगा डायमंड और गया ग्लेडियर्स है। बिहार के अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को सीएम नीतीश का नया सौगात, हर जिले में बनेगा अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय। जी हां, बिहार के अल्पसंख्यकों को सीएम नीतीश कुमार नए सौगात देने वाले हैं। अब सूबे के हर जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा, जिसे लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को इस तरफ काम शुरू करवाने का निर्देश भी दे दिया है। उन्होंने हर जिले में बनने वाले इन विद्यालयों के लिए जमीन उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। और अंत की बड़ी खबर, इग्नू ने री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 28 फरवरी तक बढ़ाई। जी हां, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र जनवरी 2021 से री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख को फिर से बढ़ाकर 28 फरवरी तक कर दिया है। छात्र ignu.samarth.edu.in पर पंजीकरण करा सकेंगे। इग्नू के मुताबिक री रजिस्ट्रेशन से मतलब स्नातक पर स्नातक पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्र अगले सेमेस्टर या वर्ष के लिए जो पंजीकरण कराते हैं उससे है। इसके तहत जनवरी 2021 के लिए छात्र 28 फरवरी तक पंजीकरण करा सकते हैं। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि बिहार की राजकीय भाषा क्या है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।